संस्कृति का परिचायक जो गंगा माँ गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक बहती है और पूरे देश को अपने शुद्ध जल से जो है सिंचित करती है, पालती है, पोसती है, तो ये उत्तराखंड जो है संस्कृति का संवाहक प्रदेश तो है जी। सर एक चीज बताइए कि आपने इस कार्यक्रम में आकर किन लोगों से परिचय हो पाया, किस तरह से आप इसको देखते हैं इस कार्यक्रम को? जी ये कार्यक्रम 23 राज्यों से जो है हमारे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर CCRT से जुड़े शिक्षक या फिर द टीचर्स शो से जुड़े शिक्षक साथी यहाँ पर हैं जी। और यहाँ पर आके मुझे बहुत सारे शिक्षक साथियों से मिलने का मौका मिला है और एक से एक शख्सियत जो जिनमें एक से एक प्रतिभा हैं, एक से एक कलाएं हैं, तो ऐसे शिक्षकों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है और मैं चाहूँगा कि अपने विद्यालयों तक भी इन सारी बातों को पहुँचाऊँ जो पपेट के माध्यम से भी शिक्षा में जो है एक नवाचार किया जाता है, तो इन नवाचारों को भी मैं अपने विद्यालय में अपने विकास खंडों तक पहुँचाने में हाँ बच्चों तक पहुंचाने में सहयोग करूंगा। जी बहुत धन्यवाद सर, आपने शिक्षकों के राष्ट्रीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे हैं। निश्चित रूप से आपके विचार हमारे अन्य साथियों तक, अन्य राज्यों तक ये पहुंचेंगे और वे आपके विचारों से लाभान्वित होंगे और रूबरू होंगे संस्कृति की झलक से। हमारे साथ मैडम है, अपनी कुछ और बातें रखना चाह रही हैं। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि संस्कृति हमारे एक अभिन्न अंग है, बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता के इंसान पशु समान है जी। तो जब तक हमारी संस्कृति हमारे पास है तो इसे हस्तांतरित करने का श्रेय अध्यापक को जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ की जो संस्कृति जो हमने सीखा है अनेक राज्यों से आए हुए अध्यापकों से, इसे हमें विद्यालय तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। यही हमारा उद्देश्य यहाँ आने का है, यहाँ आए, यहाँ से जो ज्ञान सीखा है ये बच्चों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू। अरे सर आप लेट हो गए, काटा नहीं। हाँ आप मैं अनुप चंद कहाँ से है? मैं अल्मोड़ा। कोई दिक्कत अल्मोड़ा के दो तीन लोग और थे यार, उनको एक साथ ही बुला लेते। अब सर एक काम करते, अल्मोड़ा वालों को एक साथ लेंगे, रानीखेत थोड़ा हट के। आप कहाँ से? अच्छा रानीखेत। अच्छा सर अल्मोड़ा क्यों बोल रहे हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सर। मेरी टोपी देखा तो पता है कि मैं यहीं का हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ। हाँ सर थोड़ा सा कभी कर लेते कवर जी। बाइट में एक्चुअली मैं कट मार ही रहा था तो थैंक यू सर। अच्छी बात है ना, जितने लोग कवर हो सके हम तो वही कह रहे हैं सर। कुछ और जो टीचर शो का जो ग्रुप बना है ना उसको डाल रहे हैं हम लोग, जी 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 जी। आप सर एक तो ग्रुप में मेरे को भी शामिल कर लीजिए सर। सर सर प्लीज सर आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो गया इसी में सर प्लीज। गजब। अरे मैं वो अपनी के कहीं जाते ही नहीं है जोशी सर शिशु के साथ। अच्छा चलिए चलिए अच्छा चलिए पहले शुरू कर दीजिए आप। जी जी चलो जी। सर आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और यहाँ इस कार्यक्रम को आपने कैसे इसके बारे में जानकारी मिली? जी मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुनेला खेत रानीखेत डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से हूँ और इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, उनसे हमें सीखने को मिल रहे हैं और अदर स्टेट जो बाकी जो 23 स्टेट आए हैं उनके मार्फत हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके कल्चर को जानने को मिल रहा है, उनके खान पान, उनके वहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मेरे साथ मैं बड़ा प्रसन्नचित हूँ, मेरे साथ आज हमारे यहाँ CCRT के पूर्व निदेशक महोदय श्री जोशी सर जी मेरे साथ भी है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं जोशी सर के सानिध्य आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। अच्छा। और जोशी मुझे सर खुशी है। बहुत खुशी है। निश्चित रूप से ये मानिए कि ये हमारे लिए भी ऐसे सौभाग्य के पल हैं जहां पर हमारे बीच की संस्कृति से निकले और राष्ट्रीय फलक तक पहुँचे और ये जो 23 राज्यों के 400 से ज्यादा टीचर यहाँ पर है उनको अगर लाने का कोई किरदार के जो मुख्य कड़ी है और जो पहला झंडा किसी ने उठाया था तो वो सर है जो कि गिरीश चंद्र जोशी जी, साथ में सैलेट वाले डीएन भट्ट जी और सर हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाला, तो ये एक्चुअली इनकी सर आप थोड़ा सा एक वो इशारा कर दीजिए जिसे वाकई में सर आपकी गोली तो मतलब पूरे देश में हिट है। और सर इसमें थोड़ा सा दोस्त लाइन है, हम आपसे जाना चाहेंगे। जी जी सर कर लीजिए इत्तेफाक से कि आप सर कर दिया मैंने अभी
अच्छा चलो अभी फिर करेंगे। अच्छा